बहुचर्चित गुड़िया रेप एंड मर्डर मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने लाहौल स्पीति दौरे के दौरान गुड़िया रेप एंड मर्डर मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि गुड़िया के मामले को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस सरकार को घेरा था और मामले की राजनीति की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मामले की सीबीआई जांच के तुरंत आदेश दिए। दूसरे दिन ही सीबीआई जांच में जुट गई, जबकि दूसरी तरफ पुलिस पेपर लीक मामले में अभी तक सीबीआई जांच के लिए नहीं आई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में एक छोटी सी घटना हुई थी जिसे भाजपा ने खूब उछाला, अब खुद की बारी में चुप है। हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, एक छोटी सी वारदात हुई थी, एक गाँव में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बच्ची थी स्कूल की, तो बीजेपी के लोगों ने इतना उसका हल्ला मचाया, पुलिस का दफ्तर जला दिया और ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस टाइम राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिए और दूसरे दिन ही सीबीआई आकर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आई और उन्होंने वो जांच पड़ताल की। पर इतना इन्होंने इसका रोना रोया कि जब तक उन्होंने सरकार में बदलाव नहीं आया तब तक वो उस बात को भुलाते रहे लोगों के बीच में, उस कांड को इतना कहकर इतना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की कि बड़ा भारी इसमें कुछ हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जनता जानती थी, लोग जानते थे इस बात को, और जब ये काम इतना बड़ा हो गया तब वो इस बात पर न चर्चा करते न इसके इस विषय पर चिंतित है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आज हमारे को पूछना है इनकी सरकारों को कि आपने महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये भ्रष्टाचार के ऊपर आपने क्या किया, क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा था कि इतने बड़े जघन्य अपराध को कांग्रेस के अध्यक्ष छोटी सी वारदात बता रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ, गुड़िया जैसा हत्याकांड इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुआ और वो प्रदेश का नहीं पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उस बात को छोटी सी घटना कहना मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। N1 Live की एक खास रिपोर्ट।